सोच न वाया गास एहो वक्त दी है आवाज एहो वक्त दी है आवाज। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नवी सोच नवा आगाज। अज फिर मैं तुहाडी सेवा विच हाजर हाँ। बेनती है वध तो वध इस मैसेज नू शेयर करियो और साडा यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल इनू सबसक्राइब जरूर करियो। मैं अज गल करन लगा कई वारी बंदा अपने माइंड दे विच जदों ऑप्शन बी लैके चलता है ना कि चल ये काम इदा नहीं चल दूजा इदा कर लाँगे जे ये ना होया आ कर लाँगे जदों ऑप्शन बी दिमाग दे विच बंदा कई वारी लैके चलता है ना उहदे करके भी बंदा कई वारी आलसी बन जाता है। मैं एक एग्जाम्पल देन लगा तुहानू। दो राजे सी एक बड़ा ही शक्तिशाली ते एक बड़ा ही कमजोर। एक दिन जिहड़ा कमजोर राजा है ना जिहदे कोल इन्ना सैना दा भी प्रबंध नहीं होर माया दा भी प्रबंध नहीं उहदे गुप्तचरां ने आके दस्या जिहड़ा शक्तिशाली राजा है ना तीन दिनां दे बाद तेरे उत्ते हमला करन वास्ते आ रहा। उन्हें सारे अपने जिहड़े इर्द गिर्द वाले सी उन्हां दी मीटिंग बुलाई ते मीटिंग बुला के ना सब कोलों पुछदा की करना चाहिए। तीन दिन बाद जिहड़ा शक्तिशाली राजा उन्हें हमला करना सी की कर सकते हैं। तो 21-22 साल दा विचे एक नौजवान बैठा सी। वो पता की कहिंदा है कहिंदा राजा साहब सानू सारे कम छड के अज रात ही उस राजे दे उत्ते हमला करना चाहिए। वो कहिंदा है किवें हो सकता है कहिंदा जो भी है तुसी मेरी गल मन्नो कि सारे कम छड के सारिया गल्लां बातां छड के इदां मीटिंगां करनियां छड के वो प्लैनिंग करो कि अज रात ही उस राजे दे उत्ते हमला करना है। वो नौजवान की गल सब नूं जची कि अजे तो जिहड़ा शक्तिशाली राजा हमला करन की तैयारी कर रहा होएगा चलो अज रात ही हमला करदे आ। हुण जदों सारी सैना तैयार होई तो एक लकड़ी का पुल सी वह पुल पार करके थले बहुत गहरी जो नदी सी बड़ी वड्डी नदी सी डूंगी नदी सी वह पुल पार करके दूजे राजे दे उत्ते हमला करना सी। हुण जदों सारी फौज वह पुल पार कर गई ना तो ये नौजवान ने किया कि वह लकड़ी दे पुल नू अग लाती। जदों अग लाई जिहड़ी सारी सैना अगे गई है तो वह सैना उची उची रौला पाउण लग पई है कि कीता तो ये नौजवान ने राजे दे राही फिर सुनिया दिता उची सारी बोलिया वो राजा कहिंदा जां ते हुण लड़ो ते जां फिर मरो। इक्को ही ऑप्शन है लड़न दी जां मरन दी जां मरना है जां लड़ना है। इस तों इलावा तुहाडे कोल कोई चीज़ है ही नहीं प्यारेओ। जदों ये चीज़ सारी सैना ने वेखी ना जिन्हां दे अंदर हिम्मत नहीं भी सी कमजोर सी जिहड़े डरदे सी कि दूजे राजे दे कोल पावर बड़ी है उन्हां ने जदों ये चीज़ वेखी कि हुण मरना ते निश्चित है ही लड़ के मरांगे दो चार जाणियां नू पांच दस जाणियां नू मार के मरांगे ते ओ मरण दा भी स्वाद आएगा। इन्हां ने फिर पूरे जोश दे नाल उस राजे दे उत्ते हमला कीता ते इस हमले दे विच ए जिहड़ी कमजोर टीम सी ना इहदी जित होई। हुण मेरी एक बेनती जे जदों बंदा कई ऑप्शनां लैके चलदा है ना दिमाग दे विच चल इदां नहीं इदां आ नहीं इदां कर लांगे कई वारी फिर कामयाब हुंदा नहीं। जिहड़ी भी फील्ड है उहदे विच पूरा जोर ला दिओ पूरा जनून ला दिओ। जिहड़ी भी फील्ड दे विच तुसी हो ते फिर वह पूरा जनून जदों तुसी उस काम दे विच लाओगे ना जनून दे नाल काम करोगे पूरे जोश नाल काम करोगे पूरी हिम्मत नाल काम करोगे मैं सच कह रहा फिर कामयाबी तुहाडे पैर चुमेगी। ऑप्शन दूजी रखनी नहीं कि आ कम मैं करना है तो ये ही मैं कामयाब होना है। जे ऑप्शन दूजिया रखोगे ना फिर बंदा आलसी हो जाता है। ये मेरी बेनती है जिहड़ी भी फील्ड दे विच हो डट डट के मेहनत करो आही ते है नवी सोच नवा आगाज। जिहड़ा भी कम तुसी करदे हो उहदे विच तुसी डट के मेहनत करो जदों डट के मेहनत करोगे ना कामयाबी तुहाडे कोल आएगी ही आएगी। इहो जिहा एक नवा सुनेहा लैके कल फिर आपां हाजर होवांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।